पहले सारे बच्चों मैं बता दूं आपको, जितने भी ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं वो एक एक करके आप ध्यान देख लीजिए, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन, और यहाँ से हमें दो फॉर्मूला मिलता है, एक है साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा, और दूसरा है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई साइन थीटा। थीटा इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फॉर्मूला है हमारा कॉस और सेक का रेसिप्रोकल भी, इसका प्रोडक्ट वन आता है, यहाँ से भी दो फॉर्मूला होगा जो आपको लिखना है। थर्ड में हमारे पास टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन होगा। उसके बाद फोर्थ, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बोलिए। सर थोड़ा सा ऊपर करिए ना। अच्छा यस सर, बस ठीक है। ये दो एरो बनाने का मतलब है कि जो हमने ऊपर किया है वही आपको करना है नीचे भी, ठीक है? ये आपको याद कर लेना है। आगे बढ़े, चलिए। टेन के बाद कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एक बात आप लोगों को मैं बताते जाऊं साथ ही साथ, कि जितने भी मैं फॉर्मूला दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। अगर मैं बात करूं इसके प्रूविंग के बारे में, तो यहां प्रूविंग कर देता हूं। साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, और कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो दोनों के डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर ही होगा, लेकिन न्यूमरेटर में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पी स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। और अगर डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि लाइक फ्रैक्शन हो, तो न्यूमरेटर भी सिंपली ऐड होता है, और हमें पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर क्या होगा, वन होगा। यानी ये फॉर्मूला हमारा सही है। यहाँ तक पता चला बच्चों? यस सर। अब देखिए थोड़ा सा मैं हाँ, और। जी बोलिए। हम कॉल किए थे पर नहीं उठा रही है मेरा फोन। अच्छा ठीक है, देखिए आप क्लास में रहिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ केवल साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ वन माइनस कॉस स्क्वायर माइनस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे यहाँ तक तो याद करते हैं, लेकिन यहाँ तक याद नहीं करना है, हमें इसके आगे भी याद करना है। और यही मैं बताना चाहता हूँ कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वेट बेटा, कोई बच्चा आया तो सबसे पहले मैं उनको ज्वाइन करूं। चलिए, ज्वाइन हो गई। गुड आफ्टरनून श्रद्धा, खास करके आपके लिए मैं ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। श्रद्धा, तबीयत ठीक है बेटा? यस सर। चलिए यहाँ देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। तो हमने केवल अगर साइन स्क्वायर थीटा को अलग किया तो यहाँ होगा वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। और आप लोगों को बच्चों बहुत प्यार से बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला को मत मानना कि केवल यही है। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी यानी वन प्लस कॉस इंटू वन माइनस कॉस, इसको भी आपको याद करना होगा, ठीक है? वन प्लस कॉस इंटू वन माइनस कॉस भी आपको याद करना होगा। तो याद रखिए, ये भी एक फॉर्मूला आपका तैयार हो जाता है इससे। सिमिलरली, अगर यहाँ पे आपने साइन स्क्वायर को अकेले लिया था तो आपको वन माइनस कॉस स्क्वायर मिला, और अगर आप कॉस स्क्वायर को अकेले लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे मैंने आपको बताया कॉस स्क्वायर के लिए कि एक बार वन प्लस कॉस वन माइनस कॉस लेना था, यहाँ भी आपको वन माइनस साइन और वन प्लस साइन लेना होगा। वेदिका, आप बिल्कुल इस चीज को भूलना नहीं, सारे बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बच्चों आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम ट्रिगोनोमेट्री को आसानी से चाहेंगे बनाना, समझ गए, तो ये सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा।
चलिए तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को एक बार देख लो श्रद्धा आपके लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, पहले तो हमने वन प्रूव किया क्योंकि साइन का हमें पता है कि साइन होता है पी बाई एच और कॉस होता है बी बाई एच, और फिर हम जान रहे हैं कि स्क्वायर है तो दोनों का जब हमने स्क्वायर किया तो यहां दिखा ये वाला पार्ट आ गया। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है। तो अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अब जो हमारा प्रोसेस था प्रूविंग करने का, पी बी एच लेने का, वो खत्म होता है। अब हमें पी बी एच लेकर के नहीं बनाना है। समबडी इज देयर हु वॉन्ट टू एंटर एंड आई डोंट नो हु इज देयर। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा। डेफिनेटली गुड आफ्टरनून सामवी, वेट कीजिए अभी आपका टाइम नहीं हुआ है और मैं खुद ही बोलूंगा आपको। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस, और साइन स्क्वायर थीटा जो हमने ऊपर लिखा है वो ये हो गया। चलिए अब आते हैं हम, ये देखो ये एक अपना आइडेंटिटी सिक्स है, जैसे कि हम ये सारा फॉर्मूला लिया है, तो जिस बच्चे को डाउट हो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, साइन स्क्वायर वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर, पूरा ही छोटा करना सर, पूरा फॉर्मूला का ले लेंगे। अभी तो बहुत सारा है, अभी तो कमी नहीं है, अभी बहुत सारा होगा, पर ये पार्ट का आप ले सकती हो, ये मिस ना करें। ठीक है, यहाँ पे साइन कॉस टेन वाला जो पार्ट था वो अलग है, याद करके लिखना आना चाहिए और मैं पूछूंगा भी, तो इसलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। बाद में ये वीडियो आप देख लेना या अगर यूट्यूब पे देख लेना दूसरा भी मेरा आइडेंटिटीज का वीडियो। चलिए अब आते हैं हम यस सर। दूसरे दूसरे आइडेंटिटीज के बारे में आते हैं। यहाँ पे हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो यहां आप देखो कि अगर मैं सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा लिखूं तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं यहां पे इसी फॉर्मूला से टेन स्क्वायर थीटा को अकेले लिखूं तो यहां क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय। अब यहां भी याद रखना आप लोग, सेक स्क्वायर माइनस वन मीन सेक स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप ले सकते हो, सेक थीटा प्लस वन इंटू सेक थीटा माइनस वन। क्लियर है, ये आप याद रखना, टेन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट में आप ये वैल्यू भी लिख सकते हो। आपको कंफ्यूज करने के लिए पता है ये वाला जो आपका फॉर्मूला है उसको बदल देगा, ये टेन और सेक के पोजीशन को अगर हम बदल दें तो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन। कोई और भी है जो आना चाहता है, हु इज देयर। चलो बेटा देखिए, तो हियर आपको क्या मिल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमने ये वैल्यू को चेंज किया, जो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के वैल्यू में अगर हमने इसको इंटरचेंज किया तो ये वन नहीं माइनस वन हो जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ें। यस सर। 8 नंबर, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू वन। तो आप बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, जैसे टेन में हमने देखा था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहाँ पे केवल कॉट स्क्वायर लेना चाहूँ तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी एक बार कॉसेक थीटा प्लस वन और एक बार कॉसेक थीटा माइनस वन। क्लियर है, यस सर। चलिए तो ये चीज भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और यहां भी उसी तरह सर से। हाँ बोलिए।
बोलिए। सर, हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर में कॉट स्क्वायर थीटा में भी कोई आइडेंटिटीज नहीं यूज करना रहता है सर। मतलब नहीं समझा मैं। सर जैसे कि जब हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का मतलब अगर स्क्वायर रहता है, तो फिर हम लोग उसको तोड़ते हैं a+b और a-b में। प्लस वाले में नहीं तोड़ेंगे, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। ओके सर। तो आपने यहाँ पे देखा टोटल 3 मेजर आइडेंटिटीज। एक आपने देखा यहाँ पे कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों को जनरली बुक प्रोवाइड करता है इतना ही, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखा कि आपको ये सारी चीजों का पता चले और कैसे इन सबों का फायदा होगा वो आपको क्वेश्चन बनाते वक्त भी मैं बताऊंगा। तो अभी आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा जो आपका आइडेंटिटीज है वो ये है, तीसरा जो आइडेंटिटी है वो ये है, ठीक है। अब मैं आता हूँ ट्रिगोनोमेट्री प्रूविंग करने का पूरा स्केच बताता हूँ कैसे प्रूव करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको मैं ये बताऊँ कि 25 से 30 क्वेश्चन तक आपसे प्रूविंग नहीं होगा। 25 से 30 क्वेश्चंस तक आपको जब प्रूविंग करने आप आइएगा ना, तो आपको दिक्कत होगा, आपको परेशानी होगा कि हम किसको कैसे कहाँ कन्वर्ट करें, ठीक है। तो आप बिल्कुल मान के चलिए ये आपका अपना प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होगा। 25 to 30 क्वेश्चन, इसीलिए हर एक बच्चे दो दो बार रिवीजन करते हैं। देखो आपके क्लास में सिद्धांत है जो अभी उसका ट्रिगो हो गया है, लेकिन हर एक बच्चे जो जो बच्चों ने किया है सारे बच्चों को ये रिपोर्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन में बदलाव क्या करने होंगे, किस तरह से बनाने होंगे, तो मैं बताता हूं। सबसे पहला तरीका प्रूविंग का, हम लोग क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। लगभग 50% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इस कन्वर्जन से बन जाएंगे, यानी कि LHS RHS दो टर्म आपको दिया रहेगा और LHS RHS को जब आप सॉल्व करेंगे साइन और कॉस लेकर के तो बन जाएगा। 25% क्वेश्चन, बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको ट्रिक यूज करना पड़ेगा। ये कौन सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा, या तो एल्जेब्रिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पहला ट्रिक एल्जेब्रिक फॉर्मूला, दूसरा कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कंजुगेट वर्ड क्या है वेदिका, जानती हो आप? नो कंजुगेट का मतलब हुआ कि अगर कभी ए प्लस बी गिवन है तो आप इसको ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करके और आप रिजल्ट लाती हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कंजुगेट बताता हूँ कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, और आपको प्रूव करना है sec थीटा प्लस tan थीटा, ये प्रूव करना है। तो आप क्या करोगे, 1 बाय sec थीटा माइनस थीटा को मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sec थीटा प्लस tan थीटा से। तो सो जैसे इरेशनल नंबर को रैशनलाइज करते हैं वैसे ही। बिल्कुल, लेकिन ये जो वर्ड है ना कंजुगेट, यही जेन्युइन वर्ड है। मतलब हम लोग जो ए प्लस बी का ए माइनस बी और ए माइनस बी का ए प्लस बी जो वर्ड यूज करते हैं ये कंजुगेट वर्ड ही कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसका ज्यादातर यूज आप देखोगे क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ोगे तब आपको ये वर्ड कुछ ज्यादा फ्रेंडली हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया कंजुगेट का मतलब, कि हम यस सर। ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो हम कह रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे का कंजुगेट, क्लियर है। तो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन बताता हूँ कि एल्जेब्रिक फॉर्मूला कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोगों को मैंने एल्जेब्रिक फॉर्मूला बहुत सारा दिया है क्लास 9th में, और वो सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, चाहे वो मैंने एक्सपेंशन का दिया है चाहे वो हमने फैक्टराइजेशन का दिया है। तो ये क्वेश्चन बताने वाला है हमें, कैंसिल sin^6θ + cos^6θ इज इक्वल टू 1 - 3 sin²θ cos²θ। मुझे बताएगा किंसुक कि हम कैसे इसको प्रूव करेंगे। किंसुक बताओ,
ये किसी ये जो भी साइन 6 थीटा है सो सर, इसको हम लोग ये साइन क्यूब थीट, ये सब थीटा का होल स्क्वायर से इसको करके वैसे हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, कॉस थीटा को भी वैसे ही तोड़ेंगे मुझे लगता और है कि फिर इसके। आपको जो हाँ बोलना था वो बोल दिए, अब सिद्धांत के पास मौका है। सर, हम एक चीज बोले। रुक जाओ, सिद्धांत अगर है तो सिद्धांत का अपना मौका यूज करो, उसके बाद वेदिका बोलो। सिद्धांत चलो, वेदिका आप बोल सकती हो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कर देंगे। यहां देखिए, होल क्यूब तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये अलग अलग है। हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस सुख कॉस स्क्वायर थीटा बोल होल जो क्यूब ये करेंगे। किंसुक ने जो बोला था वो, किंसुक क्या बोले थे पूरा, वो साइन क्यूब का होल स्क्वायर कर रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, मुझे वेदिका बताओ एक्सपेंशन का फॉर्मूला। सर ए वेदिका क्यूब प्लस 3a² b + b³। सॉरी, मुझे सर हम अनन्या बताएं, बताओ। हाँ अनन्या बताओ, ए ए क्यूब प्लस प्लस, बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। थैंक यू अनन्या, मुझे ऐसी ही उम्मीद थी और आपने अच्छा किया जो बताया, नहीं बताती मुझे अंदर से बहुत दुख होता, थैंक यू। चलिए तो वेदिका, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंशन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए की जगह पे हमारा साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हो गया होल क्यूब माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ए है, बी है कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में है ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वेदिका क्या आप कंपेयर करके पा रही हो, सेम टू सेम हमने लिखा है, इस फॉर्मूले का उपयोग हमने सही किया है। वेदिका दिख रहा है बेटा, यस सर। तो अब देखो यहां पे हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी कि अगर हम ध्यान दें यहां पे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1, 1 क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी है 1 इंटू 1। देखो ये कितने स्टेप में काम खत्म हो गया वेदिका। अगर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो क्या ये क्वेश्चन बनता, कभी नहीं बनता। तो मैं चाहता हूं आपको ये बताना कि एल्जेब्रिक फॉर्मूला का ट्रिक, अगर एल्जेब्रा आपका अच्छा नहीं है, फॉर्मूला आपका अच्छा नहीं है, बहुत दिक्कत होने वाला है। तो ये 25% क्वेश्चन जो है ना, आपको सिर्फ एल्जेब्रिक और कंजुगेट से बनेगा। चलिए 10% क्वेश्चन में एक फिक्स तरह का पैटर्न को हमें फॉलो करना होगा, समझ गए, पैटर्न को हमें फॉलो करना होगा, जो पैटर्न मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 5% क्वेश्चन ऐसा होगा जिस 5% में हमें एलएचएस को भी और आरएचएस को भी दोनों को एक्सपेंड करना होगा, एलएचएस भी और आरएचएस भी। समझ में आ रहा है आपको, मतलब आप एलएचएस को भी लेके आगे बढ़ोगे, आरएचएस को भी लेके आगे बढ़ोगे, और जहां भी जाके ये दोनों मैच कर जाए वो समझ लो प्रूविंग हो गया। क्लियर है बच्चों? यस सर, यस सर। थैंक यू। चलो और अब जो आपके 10% क्वेश्चन है, ये एक तरह से आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ मिक्स हो सकता है, इसमें कोई भी चेंजेज हो सकता है, मतलब ट्रिक के साथ पैटर्न, एलएचएस आरएचएस के साथ साइन और कॉस, या साइन और कॉस जो हम अलग अलग चेंज करते थे वो, या रूट के अंदर है तो हम कंजुगेट करेंगे, तो ये सारी चीजें हो सकती है। पर याद रखो जनरल क्वेश्चन में हम एलएचएस को आरएचएस को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करते हैं। एलजेब्रा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बनाना है, और ये जो आपको मैंने बताया है कि फॉर्मूला जो है ना, एक पैटर्न वाला और एक फॉर्मूला, वो बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़े से क्वेश्चन को देखते हैं, और एक एक करके कुछ कुछ क्वेश्चन को हम प्रूव करना सीखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए एक्सरसाइज से क्वेश्चन हम ये उठाते हैं पहले, ठीक है, कॉसेक थीटा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहां पे है कॉसेक यस सर। थीटा, कॉसेक
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। कोई दिक्कत? सही है। यस मैंने आपको एक बात बताया अभी कि ज्यादातर क्वेश्चन में, 50% क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सभी को साइन और कॉस में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, LHS लिख लेते हैं जो आपका कॉसेक और कॉट है, और इसे हम साइन और कॉस में चेंज करते हैं। यानी कॉसेक थीटा का होता है रेसिप्रोकल 1/sin, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस बाई साइन। बच्चों दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में साइन है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइन थीटा, और न्यूमरेटर में क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये स्क्वायर है तो हम न्यूमरेटर के ऊपर भी स्क्वायर कर सकते हैं और डिनोमिनेटर के ऊपर भी कर सकते हैं, कर देंगे। चलिए वेदिका, मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा है, जरा सा उसको देख लेते हैं हम, वन साइन स्क्वायर माइनस थीटा कॉस का। स्क्वायर थीटा हाँ, और मैं क्या बोल रहा था कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो है ना, आपको और मैं क्या रटवा क्या रहा था, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस और 1 माइनस कॉस ना। तो हम देखेंगे यहां पे कि अगर 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस इसको यूज करते हैं तो क्या आसान नहीं हो जाएगा हमारे लिए बनाना, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या होगा रिजल्ट हमारा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यानी एक बार 1 कॉस 1 माइनस कॉस हुआ, ये भी कैंसिल, आ गया हमारा रिजल्ट क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? RHS प्रूव्ड। यस सर। अगर मैं कोई, स्क्रीन ऊपर करना, स्क्रीनशॉट लेना। हाँ जी, मैं जो फॉर्मूला बोल रहा हूँ आपसे, बिल्कुल बहुत प्यार से रिक्वेस्ट है कि वो फॉर्मूला आप लिख लें, याद कर लें, और जो मैं बता रहा हूँ ना कि आपको 25 से 30 क्वेश्चन में दिक्कत होगा, तो डरना नहीं है निका, श्रद्धा, ये जो जो बच्चे बना के बैठे हैं ना, चाहे वो युवराज हो चाहे वो कोई हो, ये सारे बच्चे को शुरुआत में दिक्कत आई थी, ये सारे बच्चे को दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि मुझसे ये नहीं बन रहा है, लेकिन फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। चलिए यस सर। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं हम। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 2, फाइव का टू क्वेश्चन बनाते हैं, आगे बढ़े हम लोग। देखिए यहां पे चलिए, सबसे पहला काम आप देखिए यहां पे कि LCM लेते हैं हम, अगर LHS को लेके चले तो आप देखो कि LHS में ऑलरेडी साइन और कॉस के फॉर्म में है। श्रद्धा, जितने भी आपको टर्म्स दिख रहे हैं वो सब क्या है, साइन और कॉस के फॉर्म में है। बेटा फॉर्मूला याद करना होगा, और इतने सारे ट्रिगो के हमारे वीडियोस हैं ना कि आप देखोगे तो बीच में सब कुछ समझ में आएगा। पहला काम तो होता है LCM लेने का, तो हम LCM ले लेते हैं यहाँ पे, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत है यहां तक? सर अब 1 प्लस साइन से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, कॉस ए, और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर यहां पे है आपका 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर होगा। बच्चों यहां तक यस सर। कोई बच्चा एडमिट करना चाहता था, वेट करो बेटा मैं उसको एडमिट दूं। चलिए, तो बाकी बच्चों का क्लास थोड़ा लेट है, जूनियर्स का क्लास लेट है। चलिए बच्चों यहां देखिए, तो यहां पे क्या है आपका, 1 प्लस साइन और कॉस का हमने एलसीएम लिया तो ये आया, कॉस से हमने डिवाइड किया तो आ गया 1 प्लस साइन, फिर यहाँ 1 प्लस साइन से जब हमने डिवाइड किया तो आ गया कॉस, तो कॉस 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 स्क्वायर ऊपर हो गया, और जब कॉस से डिवाइड किए तो 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन ये हो गया। बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम,
आपको अभी मैं बहुत ज्यादा रटवा रहा था नहीं कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग कुछ अलग से करो, तो वेदिका आपको पता चल रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आप क्या बोलिएगा वेदिका? थीटा आप देख रही हो एकदम वैसा ही कुछ मिल रहा है हमको, और ये पहचान में आना बहुत जरूरी था, तो इसलिए हमने इस ये क्वेश्चन बनाया, पर फॉर्चुनेटली वही क्वेश्चन उसी तरह का हमें मिलता गया। तो यहाँ हो गया हमारा कॉस ए, गलती से थीटा की जगह मैंने ए लिखना है, तो अगर कहीं थीटा दिख रहा है तो आप उसको ए मानना, ठीक है? यानी कि अगर आपने सभी को ए के फॉर्म में या सभी को थीटा के फॉर्म में लिखा है तो सही है। यहां तक सही है बच्चों? यस चलिए अब मैं इस क्वेश्चन का यहां वाला पार्ट मिटा देता हूं क्योंकि ये प्रूविंग का पार्ट ही था। और यहां देखिए ऊपर में हम कॉमन ले लेते हैं क्या, वन माइनस सर साइन। बोलिए। सर, ये आप सेकंड वाले स्टेप में, हाँ सर, अभी आप नहीं ठीक बोलो कर अनन्या, दें। तुम बोल दो अनन्या। नहीं 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 सर बोलो तुम, नहीं मैं जान रहा हूं तुम एकदम बोलने को तैयार हो, बोलिए दो आप बेटा, मुझे कोई जरूरी नहीं है कुछ बोलने की। बताओ कि यहाँ साइन था, माइनस था, प्लस था, कुछ बोलने वाली थी तुम, जो किन्सु को नहीं दिख रहा है बस तुम्ही को दिख रहा है। चलो तो ये देखो यहाँ पे वन माइनस साइन। माइनस हाँ बोल दो तुम भी बोलो, बोल दो भाई। सर माइनस है, सर माइनस हमको है। किन्सु सही है कि नहीं? किन्सु सही है सर, चलिए थैंक यू, वही है ना, वही कुछ को चीज दिख बोल रहा जाता है। है। यहां देखो वन प्लस साइन में अगर हमने एक बार वन प्लस साइन को बाहर कॉमन निकाला है तो अंदर एक बार वन प्लस साइन बच जाएगा, और ये एक बार जो वन प्लस साइन बचा तो इससे फायदा क्या होने वाला है कि प्लस साइन और माइनस साइन कट जाए। यानी आप देखो यहां पे ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, दोनों कैंसल हो गया, होगा कैंसल वेदिका। और यस ये सर जो बाहर आपका वन प्लस साइन है और ये जो आपका नीचे डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन है, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कैंसल। तो आप देखो श्रेया आप बताना, वन और प्लस वन क्या होगा, टू, टू और नीचे क्या है, कॉस ए कॉस। और कॉस ए नीचे अगर है मतलब कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या है, सेक ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आरएचएस प्रूफ। तो एक बार आपको थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि अगर मैं बोलूं तो इसको यहां से ये क्वेश्चन जो है ना वो पूरा का पूरा यही क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो 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 किंसु। सर, ये कॉस स्क्वायर ए को ना लिखकर अगर हम लोग ये वन प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसको अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले टर्म से तोड़ेंगे तो फिर वैसे भी तो बन ही जाएगा ना। एकदम बनाओ ना, कौन मना किया है, मैं तो बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन को तुम जितने भी तरीके से बना सकते हो, कोई गलती थोड़े होगी, आप बनाइए। नहीं सर, तो हम तो वैसे ही बनाए अच्छा थे। किए हैं, सही किए हैं, पूरा मार्क्स मिलेगा आपको, कोई गलती नहीं है, ये कभी भी किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन है हमारा जो 2000 किस है ना, ये आया था लगभग 2014 या 15 में, 6 साल 7 साल हो गया, हाँ 2014 जो है ना ये आईआईटी के प्रीलिम्स एग्जाम में आया था, मतलब कि मेंस में, ठीक है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, वेदिका बनाए, यस सर, बना दीजिए। वेदिका एक बात बताओ, मैंने एक और वर्ड क्या मैंने बोला पता है, आईआईटी मेंस का ये क्वेश्चन है, ये आईआईटी मेंस में आया था 2014 में, 2014 में, समझ गई? तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि हमें बहुत स्पेशल पढ़ना होता है, बिल्कुल भी नहीं, सिंपल पढ़ना होता है। देखो हम कुछ लोग के कुछ, टाइम आप जी बोलिए बोलिए सिद्धांत, सिद्धांत प्लीज कंप्लीट योर स्टेटमेंट। सर, जब किन्सु और हम लोग पढ़ रहे थे सर, तो आप इतना एग्जाम्पल वाइज दे दे के नहीं पाए थे, सीधे बोले थे 25 क्वेश्चन तक आपको दिक्कत होगा।
अच्छा उस वक्त तक ठीक हो जानते हो, जाएगा। देखो उस वक्त तक तुम अकेले बच्चे थे ना, तुम लोग तीनों, इतना एक्सप्लेन सही में नहीं किया था, इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि तुम लोग भी ये पूरा एक्सप्लेन नहीं, तुम लोग बहुत मेहनत की अपने से निकाले कि सर करना है करना है, आगे बढ़ गए, क्या समझे, तुम लोग जो हो खुद से किए बहुत सारा काम, तो इसीलिए मैं बता रहा हम हूँ लोग को इस। डाउट होता था सर, आपसे आके पूछते थे, फिर नया ट्रिक जानते थे और तब वो तुम फिर लोग का आगे मेहनत बढ़ते। था, क्योंकि जानते हो उस वक्त 9th के बच्चे जो है ना, नोटर डेम में एनिका ये सब थी उस वक्त, और ये सब जो है ना उस वक्त एग्जाम्पल वो सब वो 9th वाली चीजें पढ़ रही थी और तुम 10th में पढ़ रहे थे, लेकिन मुझे तो पढ़ाना ही था, चाहे आज पढ़ाऊं, और अभी बचा हुआ है बहुत सारी चीजें, तो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अभी भी खत्म होता है। और मैं बार बार, अच्छा एक बात बताओ, लास्ट क्लास में तुमको पता हो ना हो, पर मुझे पता है, मैं आवाज सुन के पता लगाता हूँ, जैसे श्रद्धा जो है ना वो बेचारी बोली, आज वेदिका ने भी सामने से बोला, कुछ बच्चे अपने से मेहनत करके बोले, तुम लोग बोले कि यस सर हो गया सर हो गया, लेकिन मुझे अंदर से पता है ना, जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ वो पता है, तो बच्चों तुम लोग के क्लास में ये नहीं पता था, श्रिया को नहीं मालूम था, इसीलिए मैं पूरा एग्जाम्पल दे के समझाया हूँ, तो अच्छा किया कि खराब किया मेरे भाई सिद्धांत, ठीक है ना, आप सर हम बिल्कुल बोल रहे हैं कि हम लोग के टाइम नहीं करवाए थे, नहीं हो गया था सर, पढ़ लिए थे। हाँ मैं जान रहा हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाना बहुत जरूरी था, समझ गया, पिछले क्लास में मैं वीडियो शेयर किया हूँ, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, शेयर करने का मकसद यही था कि ये वाला पार्ट जो एक्सप्लेन करके पढ़ना है ना, वो आप लोग को पढ़ाई मिल जाए, समझ गए, लेकिन मुझे पता था कि बच्चे जो है ना वीडियो को मैक्सिमम 1 मिनट 1.5 मिनट देख के फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, अगर जोक का हो कॉमेडी का हो ना फुल वीडियो देखते हैं कि क्या था, एक बार रिवाइज करके देखते हैं, लेकिन क्लास के वीडियो जो है ना वो यूं इग्नोर्ड रह जाते हैं, मैं सही हूँ वेदिका, यस सर, सही बात है ना बेटा, ऐसा यस होता सर, है कि नहीं, अगर कॉमेडी का बिल्कुल होगा ना तो एक सेंटेंस का एक वर्ड सुनाई नहीं दिया ना, तो हम क्या करते हैं ना बैक जाते हैं, समझ गए, और बैक जाके सुनते हैं कि बोला ओ अच्छा ये बोला, इतना मजा आया, लेकिन क्लास का वीडियो तो भाई सबसे बोरिंग, तो ये बिल्कुल गलत बात है बेटा, देखा करो, चलो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, शायद ये भी मिस हुआ होगा बच्चों को, मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया होगा, क्योंकि बच्चा लोग जो है वो अपने से बहुत मेहनत किया, थैंक यू, इसीलिए आप लोगों का नाम भी लेता हूँ सिद्धांत, चलिए आगे आते हैं हम, क्वेश्चन को देखिए, 10/1 cot, cot/1 - 10, चलिए यहां देखिए ध्यान से देखिएगा, 10θ/1 cot θ प्लस cot θ/1 - 10θ, मैं क्या तो बताता हूं आपको, जी बोलिए, इसको 1 cot θ और 1 tan θ से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं जो करना है वो सब हम करेंगे, वेट कीजिए, देखिए यहां पे ध्यान से, पहला काम मैंने आपको बताया है कि जनरल 50% जो क्वेश्चन होता है ना उसमें हम LHS को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे 1 - cot इस cot से अगर हम प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूर ये sec वन sec और cot के फॉर्म में हमें मिलेगा, पर बहुत ज्यादा टूट के चेंज नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे दोनों और सभी को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ रिजल्ट है 1 + sec θ × cosec θ, sec × cosec θ, चलिए तो पहले हमने 10 को चेंज किया साइन कॉस में और कॉट को चेंज किया हमने 1 - cos/ साइन में, थोड़ा कॉस सा प्रोसेस वाइज जाना है और आराम से हम सभी को साइन कॉस कन्वर्ट कर रहे हैं, जहां पे ट्रिक का यूज होगा वहां मैं बताऊंगा कि वहां पे क्या यूज है, और अगर कोई बच्चा अभी से सोच लिया है मुझको टोकने के लिए तो मुझे टोक दे, कुछ बोलना चाहते हो आप लोग, अनन्या यस सर, अनन्या कुछ दिख रहा है माइनस प्लस में अलग, सर सब ठीक है। चलो ठीक है यहां आते हैं, डिनोमिनेटर में आप देखिए यहां पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा डिनोमिनेटर का टर्म है, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और ऊपर हो गया आपका साइन माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां पे जैसा था वैसे न्यूमरेटर को लिखेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर को फिर से यहाँ सॉल्व करेंगे, श्रद्धा एन श्रिया एनिका, देखो बेटा
यहाँ कॉस और वन का एलसीएम, ये कॉस और ये वन का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये सारे क्वेश्चन दो दो बार बनाने हैं, सब लोगों ने बनाए हैं, आपको ही बनाने होंगे। यस सर अब देखिए, ये वन से हम जब कॉस को डिवाइड करेंगे तो कॉस आएगा, और कॉस इंटू वन जो है वो कॉस आ जाएगा। ये कॉस से जब इस डिनोमिनेटर को डिवाएंगे तो वन आएगा, और वन इंटू साइन साइन ही आएगा। तो बच्चों अगर यहाँ तक कंप्लीट है तो हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, लेकिन जाने के पहले एक चीज बताएंगे। मुझे बताना आप एनी का, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, लिख सकते हैं क्या? यस सर लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्या करेंगे अनन्या, इसको इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? माइनस बी प्लस, बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे। बिल्कुल सही, अगर ए माइनस बी को हमें बी माइनस ए लिखना होगा तो बाहर माइनस कॉमन लेना होगा, बाहर माइनस लिखना होगा, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, ये याद रहेगा आप लोग को, इसको जरूरी इंपॉर्टेंट समझ के इसको लिख लीजिए। मैं आपको राइट हैंड साइड में थोड़ा सा करके लिख दे रहा हूं कि माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना। चलिए अब डिवीजन जो है ना वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, तो यहां जो है न्यूमरेटर का हो गया साइन बाई कॉस, और यहां जो डिनोमिनेटर का है वो रेसिप्रोकल हुआ तो साइन थीटा बाई साइन माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू, और यहां हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहां पे ध्यान दो, ये जो पार्ट है वो है साइन माइनस कॉस, और ये जो पार्ट है वो क्या है, कॉस माइनस साइन। तो आप देख रही हो, ये अगर ए माइनस बी है तो ये क्या है, बी माइनस ए है, तो हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं, और जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे आगे हो जाएगा साइन माइनस का, तो इस प्लस को हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब जो हम लिखने वाले हैं वो है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे मुझसे पूछिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है, किंसुक, युवराज या जो भी बच्चे हैं, यहाँ पे पूछिए अनन्या, जिसको समझ में नहीं आ रहा है मुझसे पूछिए। सर बोलिए। सर ये वाला कॉस स्क्वायर साइन थीटा वाला, ये कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस इनटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर, ये आपका साइन थीटा है जो यहाँ पे आ गया, लेकिन ये आपका कॉस माइनस साइन को हमने उल्टा करके लिखा है, इसीलिए हम इसके आगे का जो माइनस का साइन है प्लस का साइन है उसको हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि अभी मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया था और मैंने बताया था कि किस तरह से बी माइनस ए को अगर ए माइनस बी लिखना हो तो हम उसके आगे माइनस लिख देंगे, तो यहाँ पे भी उसी तरह की चीज़ें हमने की है। समझ में आया अनिका? यस सर। श्रद्धा समझ में आया बेटा? यस सर। थैंक यू, जरूर समझिए, आप समझते हो ना, तो मैं थैंक यू इसलिए बोलता हूँ ना कि मेरा बताया हुआ चीज उपयोग में आए। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, पता है मुझे एलसीएम लेना नहीं आता था, और एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज का जिक्र कर रहा हूँ कि एक टीचर थे जिनका नाम था शेखर भैया, मेरे गाँव के थे, उनका डेथ हो गया करीब एक वीक पहले कोरोना से, और 10th क्लास में उन्होंने मुझे एक चीज हल्का सा पढ़ाया था, हम लोग भैया बोलते थे, वो ऐसा था पार्ट, देखो ए माइनस बी बी माइनस सी प्लस वन बाई बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस वन बाई सी माइनस ए और ए माइनस बी। देखो कितना संजोग की बात है कि ये वाले का एलसीएम जो है ना, मैंने उनसे पूछा था तो मैं उनको बोला कि इसका एलसीएम कैसे करें। बोलिए बेटा, बोलिए, आपकी बात सुनूंगा, बोलिए वेदिका। a माइनस b इनटू b माइनस c इनटू c माइनस a होगा, जानती हो मैंने यही उनसे बोला कि यही होगा क्या, तो उन्होंने मुझसे बोला यही होगा,
लेकिन फिर भी अंदर से मेरे दिल में जो है ना वो रह गया, मतलब मैं अंदर से कंफर्म नहीं हुआ कि आखिर क्यों होगा। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बच्चों को ये बात रह जाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो थोड़ा सा बच्चा, सभी बच्चे एक चीज हम लोग देख लेते हैं, इसके एलसीएम लेते हैं। अनिका, श्रद्धा, सब ध्यान से देखना। ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये पहला टर्म है। फिर बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये दूसरा टर्म है। एकदम एलसीएम बना रहे हैं हम लोग, देखिए कितना आसानी से बनता है। और हम लोग इसको यूं एलसीएम की तरह लिखेंगे। चलिए, पहले हम ए माइनस बी से सभी को डिवाइड यानी कि फैक्टराइज कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां बचेगा बी माइनस सी, और यहां तो दोनों बच जाएगा, बी माइनस सी भी बचेगा और सी माइनस ए भी बचेगा। लेकिन इससे भी ए माइनस बी निकलेगा, तो बचेगा सी माइनस ए। समझ में आया यहां तक एनिका? यस सर। ये एनिका की आवाज थी। नहीं सर। अच्छा, चलो एनिका, चलो दूसरा बोलो कि ये वाले पार्ट में हम किससे डिवाइड करेंगे अनन्या? सर बी माइनस सी। चलिए बी माइनस सी से डिवाइड करेंगे, तो ये वाला पार्ट तो वन बन जाएगा। यहां पे बचेगा केवल सी माइनस ए, और यहां भी बचा रह जाएगा सी माइनस ए। और अब किससे हम डिवाइड करने वाले हैं? बिल्कुल सही श्रिया। कुछ कुछ बच्चों की आवाज मैं पहचानने वाला हूं। युवराज, ये हो गया वन, ये हो गया वन। तो ये देखो, यही तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? एलसीएम। क्लियर है बच्चों? यस सर। श्रद्धा, समझ में आया बेटा? यस सर। बहुत बहुत सही। वेदिका, क्लियर है बेटा? ये कभी भी यस कोई सर। भी कॉम्प्लेक्स दिखे ना, तो एकदम कोई रिस्क नहीं लेना है, आराम से देख के बना सकते हो। तो यहां भी अगर हम उसी तरह करेंगे, तो जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखना होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एक बार लिखना होगा, और जो दोनों बचा हुआ पार्ट है उसको भी हम लिख देंगे यहाँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिद्धांत कोई ऐसा तो है नहीं ना कि मैंने ये नहीं समझाया था इतना करके? हाँ सर 70 में समझाए थे। सर चलो, तो अब जो है, हाँ बोलिए। अब ये कॉस इंटू साइन माइनस कॉस से डिवाइड करना है हमें। तो आप देखो, ये जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा? साइन। और ये साइन स्क्वायर से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? साइन थैंक क्यूब यू। बाय। थीटा, है ना? अब देखिए, यहां जब मैं इस रेड वाले से इसको रंगा कि इससे जब डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड हो गया और ये डिवाइड हो गया, बच क्या गया हमारा? कॉस। बस थीटा कॉस और कॉस से कॉस स्क्वायर को करेंगे तो क्या आएगा? कॉस क्यूब क्यूब थीटा। थीटा। क्लियर है बच्चों? यस सर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला वेदिका बता सकती है, जैसा मैं जानता हूं। तो वेदिका, आप मुझे बताएंगी। मतलब रुक जाओ युवराज। हाँ ठीक है, युवराज ही बताना। चलो युवराज बोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या फैक्टराइजेशन का, सर बोलो। ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3 AB इनटू ए चुप, माइनस बी। एक्सपेंशन ही फैक्टराइजेशन। ए चलो माइनस बी इनटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो, सर अब लेकिन बीच में बोलना नहीं, रुक जाओ। मैं जब बोलता हूं नहीं बोलने को, तो थोड़ा रुक भी जाया करो, ठीक है ना? चलो युवराज, आपने बताया है, ये पूछूंगा मैं एनिका, सही है क्या बेटा? एनिका से पूछूंगा सही है क्या, रुक जाओ, एक बच्चे को यस सर। देखूंगा। गलत है एनिका। श्रद्धा तुम बताओ सही है क्या? सर ए स्क्वायर रुक माइनस जाओ, ए बी रुक प्लस जाओ, बी। रुक जाओ, रुक जाओ युवराज। आई नो, तुम बोल सकते हो, बोल सकते हो। तुम ये भी बोल सकते हो कि मेरे लिए जाल बिछाया हुआ था। तुम कुछ भी बोल सकते हो। चलो बोलो जी एनिका, तुम गलत हो लेकिन बेटा, युवराज के बारे में नहीं बोल रहा हूं। चलो अब बताओ वेदिका, सही है कि गलत है? गलत लग रहा है। लग माइनस रहा ए है। भी होगा शायद। माइनस सर माइनस ए भी वहां होगा। अच्छा चलो, माइनस ए बी पे भी हम आते हैं। रुक जाओ माइनस ए बी पे भी हम आएंगे, समझ गया? माइनस ए बी पे भी आते हैं, और फिर से बात करेंगे हम युवराज से, एनिका से और बाकी सबसे भी। तो चलिए, हमने इसको प्लस ए बी को माइनस ए बी बना दिया।
अब बोलिए युवराज सर कैसा है। वो गलत है सर, अभी भी आप उसके अंदर वाला कहाँ चेंज किए, तो नहीं सर वो फॉर्मूला सर पूरा ब्रैकेट वाला ए प्लस ही होगा सर। वाह चैंपियन वाह, ये कैसे पता चला कि ए प्लस बी होगा। चलो अब सही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला सही है, लेकिन यहाँ देखो हमें क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस की ए क्यूब माइनस, ए क्यूब माइनस। तो अब बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में हम क्या लिखें, युवराज तुम बताओ। फैक्टराइजेशन का कैंसिल ए बोल माइनस दो। बी हाँ ए माइनस बी हाँ इनटू जी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए नहीं स्क्वायर होगा। प्लस प्लस ए बी प्लस ए बी होगा सर। प्लस ए भी होगा युवराज, यस सर कॉन्फिडेंट हो? यस सर हाँ हाँ सर अनन्या क्या होगा बेटा बोलो। सर प्लस ए भी होगा। चलो वेदिका ने बीच में बताया कि प्लस होगा तो मान लेते हैं, वेदिका की बात को तो गलत नहीं कहेंगे, तो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ देखिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब का फॉर्मूला होगा हमारा साइन माइनस कॉस इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस सर साइन आपका इंटू आवाज नहीं आ रहा है सही से। हाँ रुक जाओ, तुमको अगर नहीं आ रहा है अनन्या ना, तुमको तो कुछ प्लस माइनस का साइन भी कुछ अलग दिख रहा था। नहीं अनन्या ये आवाज आया? चलो यहां देखो नीचे हमारा साइन सर आप थीटा, क्या बोल रहे हैं, सब आधा आधा सुनाई तो दे रहा है। नेटवर्क हो सकता है, तुम्हारा नेटवर्क जो है ना वो अभी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। रिजॉइन रिजॉइन करने पे ठीक होगा। बिल्कुल रिज्वाइन कर लो, लेकिन अभी रुक जाओ रुक जाओ, दिख रहा हो तो ठीक है, समझ में आ रहा है तो ठीक है। चलो तो यहां देखिए हमने ये वाला पार्ट किया है, अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हमने अभी ये सॉल्व किया है और ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस कॉस अभी नहीं लिखा है, तो ये लिख देते हैं साइन माइनस कॉस। वेदिका ये बताओ सबसे पहले ये साइन माइनस कॉस और ये साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा? यस सर। चलिए इसको कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर ऐड करते हैं तो क्या आता है? वन बिल्कुल माइनस सही, माइनस ऐड करने पे जब हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा वन। पहले तो ये कट कर दिया हमने और यहाँ मिला हमारे पास वन प्लस, ये दोनों को ऐड किए तो वन मिला और यहाँ हो गया साइन कॉस, और डिनोमिनेटर में क्या है साइन कॉस केवल, तो एक बार वन के नीचे लिख लेते हैं साइन कॉस और एक बार साइन कॉस के नीचे भी लिख लेते हैं साइन कॉस, तो ये साइन कॉस कट गया। अब ये बताओ साइन और कॉस दोनों डिनोमिनेटर में है तो जब ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, कॉसेक और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा, और ये हो गया प्लस वन। ये है हमारा ओके आरएचएस, क्वेश्चन लेंदी नहीं था, क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाना था, आराम से बनाना था, एक दो फॉर्मूला था और जहां पे ट्विस्ट था वो था ये साइन। अनन्या को सुनाई दे रहा है? यस सर अब सब सुनाई दे रहा है। साइन वाली बात सुन जाती हो तुम जल्दी। चलो अब मैं साइन को लेकर के ही बात किया करूंगा, ठीक है? और थोड़ा स्क्रीन ऊपर करिए ना, हाँ स्क्रीनशॉट लेना ना। कर लेता हूँ बेटा। चलिए पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने? यस सर। ये ध्यान रखना, ये जो है ना हमने जो ट्रिक जानना था वो जो यूज किया है वो है। अब इसके बाद हम ऊपर लेके जा रहे हैं। सर स्टार्टिंग में जो सर फॉर्मूलाज लिखे थे सर उसका एक बार मिनिमाइज कर देना सर, स्क्रीनशॉट लेंगे। देखो पूरा का पूरा ये चीज जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड कभी कभी ऐसा हुआ है, आज मैंने एक बहुत मस्त क्लास पढ़ाया है 12th का और गलती से ऐसा हुआ कि
कि जो स्क्रीन रिकॉर्डर है ना उसमें मेरा आवाज नील हो गया और बच्चों का आवाज ऑन रह गया। तो क्या है कि मैं जब सुनने लगा तो मैं देखा पूरे 10 मिनट तक कोई आवाज नहीं, और बीच में एक एक आवाज आया, यस सर यस सर यस सर, हाँ ये कर देंगे सर, राइट साइड शिफ्ट करिए ना, राइट साइड, हाँ लाइट राइट साइड भी कर दे रहा हूँ, ये हो गया आपका राइट साइड में, क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया आप लोगों का, आप लोग इसको बना के रखेंगे, आपके पास जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, और आरएस अग्रवाल के, और न केवल आरएस अग्रवाल के, एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो आप लोगों को मैं कहूँगा कि आप लोग पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन बनाइए, और जितने भी क्वेश्चन डाउट में है वो सब मैं बताऊँगा। और अभी भी हमारा पैटर्न वाला क्वेश्चन बच गया है, तो हमें पैटर्न वाले क्वेश्चन सीखने होंगे, ठीक है, कि पैटर्न वाले कैसे बनेंगे क्वेश्चन वो जानने होंगे। तो मैं सर वो चैप्टर 3 पूछ रहा था, चैप्टर 3 का, चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यस सर वो हेलो सुनो, चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।